नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और चुकंदर का जूस। वैसे तो गाजर 12 महीने मिलती है, मगर लाल गाजर 3 से 4 महीने तक मिलती है। आज हम इसके फायदे भी आपको बताएंगे। गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, जो आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ में कैंसर, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए भी फायदेमंद होता है। चुकंदर भी फायदेमंद होता है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप इसको सलाद के रूप में या जूस के रूप में भी ले सकते हैं, और बीपी के लिए भी चुकंदर बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले हमने एक चुकंदर लिया है जिसको हमने काट लिया है। एक ही हमने टमाटर लिया है, इसको भी हमने काट लिया है। 2 गाजर, इसको हमने काट लिया है। इसी के साथ हमने 2 से 3 आमले लिए हैं जिसको हमने काट लिया है। अदरक लिया है, इसको भी हमने काट लिया। आप चाहें तो अदरक की जगह कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं हमने। इसी के साथ हमने 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आंवला भी खट्टा होता है। इसी के साथ हमने नमक लिया है और कुटी हुई काली मिर्च ली है। लेट्स प्रिपेयर द जूस। आप जूस बनाने के लिए ऐसी मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सामान इसके अंदर डालेंगे ताकि वेस्ट अंदर रह जाए और जूस बाहर आ जाए। तो सबसे पहले हम इसमें चुकंदर डाल लेंगे। इसी के साथ हम इसमें टमाटर भी डाल लेंगे। गाजर भी डाल लेंगे हम इसी के साथ इसमें। अदरक डाल लेंगे हम। पुदीने के कुछ पत्ते डालेंगे हम इसके अंदर, और हम आंवला भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हम 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। दो से तीन मिनट हम मिक्सी को चलाएंगे। अब हम इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे, साथ में हम काली मिर्च स्वाद के अनुसार डालेंगे, और नमक भी हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। जूस हमारा बन गया है। अब हम इसको एक गिलास में निकाल लेंगे। वैसे तो ये जूस आपको मार्केट में जगह जगह मिल जाएगा, मगर जिस सफाई से ये घर में बनता है वैसा मार्केट में नहीं बनता। इस जूस को हर उम्र के लोग ले सकते हैं। अगर आपको मेरा बनाया हुआ जूस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। नमस्कार।